हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अभी तक आप बात कर रहे थे यहां पर नर्वस सिस्टम के बारे में। हम बात कर रहे थे अपने नर्वस सिस्टम के पार्ट्स देखे हैं किस किस चीज से मिलकर के बने हैं। सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पर किसकी, न्यूरोन की। ठीक है, ये आपका न्यूरोन आता है, उसके बारे में आपने न्यूरॉन के पार्ट्स के बारे में बात की और उसके फंक्शन के बारे में आपने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आपने देखे जिसमें आपके पास आते हैं सेंसरी न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन जिसे आप कहते हैं, और मोटर न्यूरॉन। क्लियर है? अब आप देख रहे थे कि यहाँ पर जो इम्पल्स होते हैं उनका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, यानी कि जो इम्पल्स है, जो भी क्या हुआ स्टिमुलस आपके सामने आए और जो भी आपने उस स्टिमुलस से रिसीव किया है, वो इम्पल्स आपने जो रिसीव किए हैं, वो जो इम्पल्स हैं, आप वो किस प्रकार से आगे की ओर बढ़े हैं, वो आपको क्या दिखाया गया है, इसका फ्लो दिखाया गया है। अब बात करें थे नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात की है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में आपने सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक वाले पोर्शन को देखा है। यहां पर आप बात कर रहे थे किसके बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में, जिसमें आपने कहा ह्यूमन ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, जिसमें आपने कहा फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हिंड ब्रेन है, तीन पार्ट आपके पास आते हैं। यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो आपका ब्रेन के अलग अलग पार्ट हैं उनके क्या क्या फंक्शन है, जिसमें आपने बात की है किसकी, सेरिब्रम की आपने बात की है, हाइपोथैलेमस की बात की है, सेरिबेलम की बात की है, मिड्यूला की बात की और पोन्स की आपने बात की है। यहां तक की बात हम कर चुके थे, आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, क्या होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद समझेंगे आपको क्या बताया जा रहा है। आपने कहा रिफ्लेक्स एक्शन इज अ स्पेशल केस इन स्पेशल केस ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स व्हेन अ वॉलेंट्री ऑर्गन इज इन द वेसिनिटी ऑफ अ सडन डेंजर इट इज इमीडिएटली पुल्ड अवे फ्रॉम द डेंजर टू सेव इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल व्हेन योर हैंड टचेज अ वेरी हॉट इलेक्ट्रिक आयरन You move away your hand in a jar. All of this happens in flash and your hand is saved from the imminent injury. This is the example of reflex action. अब reflex action क्या है, आपने कहा जो reflex action होते हैं वो आपका sudden behavior होता है, sudden behavior या sudden response होता है। Clear है इतनी बात? Sudden response में आपने एक चीज बार बार, हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया आपने एक ही चीज यहाँ पर समझी, आपने कहा आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ, एकदम से हाथ को पीछे हटा लिया, तो आपने कहा कि जो एकदम से आपका बिहेव वहां पर दिखा, ऐसा नहीं था कि आपने पहले गर्म वस्तु को छुआ, फिर आपने सोचा कि ये आपके लिए गर्म है, फिर आपने सोचा कि ये आपके हाथ को जला सकता है, उसके बाद आपने हटाया, ऐसा नहीं हुआ था। हुआ क्या था, विद इन अ सेकेंड आपने जैसे ही टच किया वैसे ही आपने हाथ को हटा लिया, एकदम से क्विक रिस्पॉन्स यहाँ पर आया है। इस प्रकार के एक्शन को आप क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जो कि तुरंत होते हैं बिना सोचे समझे, यानी कैसा नहीं होगा कि आप पहले सोचेंगे, वो क्या होते हैं एकदम से आपके क्या आते हैं, रिस्पॉन्सेस आते हैं, और इस प्रकार के जो रिस्पॉन्स या इस प्रकार के जो एक्शन होते हैं उसे आप क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब बात आती है रिफ्लेक्स आग की। रिफ्लेक्स आग को आप इस इमेज से ज्यादा अच्छे से समझेंगे, ठीक है? तो पहले पढ़ लेते हैं रिफ्लेक्स आग के बारे में, आपको क्या बताया गया, आपने कहा द पाथ थ्रू विच नर्व सिग्नल इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन ट्रेवल इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। क्या समझे इस बात से, आपने बोला वह मार्ग जिसके माध्यम से रिफ्लेक्स क्रिया में शामिल तंत्रिकाएं संकेत यात्रा करती हैं उन्हें आप रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। यानी कि आपने कहा कि जो रिफ्लेक्स एक्शन आया वो किसके द्वारा आया, आपने कहा सारी जो चीजें हो रही है वो न्यूरोन के द्वारा हो रही है, लेकिन किस पार्ट में आया, किस आर्क में आया, उसे आप क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट आपने क्या समझा, आपने बोला द फॉलोइंग चार्ट शोज द फ्लो ऑफ सिग्नल इन रिफ्लेक्स आर्क। अब आपने कहा जो रिफ्लेक्स आर्क आपका होता है, यानी कि वो पूरा पोर्शन जिसमें वो रिफ्लेक्स एक्शन की प्रोसेस चल रही है, वो उसकी प्रोसेस कैसे होती है, सबसे पहले तो आपके पास रिसेप्टर ही आएंगे, ठीक है? जो आपके रिसेप्टर होंगे वो क्या है, आपके सेंस ऑर्गन पे जो स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिसे आप रिसेप्टर कहते हैं, जो रिसीव करेंगे किसी इंपल्स को या फिर स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे आपके सेंसरी न्यूरॉन। अब रिसेप्टर ने जब स्टिमुलस को रिसीव किया तो कहाँ मैसेज भेजेगा, आपके सेंसरी न्यूरॉन को भेजेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैसेज को ले जाने का काम जो नर्व करती है उसे आप सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे। सेंसरी न्यूरॉन से आएगा रिले न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन से जाएगा मोटर न्यूरॉन, क्योंकि आपने कहा कि जो मोटर न्यूरॉन है वो अब आपके कमांड को लेकर के आ रहा है। तो
सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो न्यूरॉन होते हैं वो रिले न्यूरॉन होते हैं। कैसे उनके देखो, क्या समझे आप इस बात को? आपने कहा ये आपका है CNS, जिसे आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इतनी बात समझिए, ठीक है, क्योंकि आप काफी आगे आ गए हैं अपने चैप्टर में, बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आपका CNS, ये है आपका ऑर्गन या टिश्यू कहिए, ये ऑर्गन कहिए, ठीक है। अब आपने कहा आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ, जब गर्म वस्तु को छुआ, क्योंकि ये आपका ऑर्गन है और यहीं पर कोई ना कोई सेंस ऑर्गन होगा, अगर आप गर्म वस्तु को छू रहे हैं तो आपके यहाँ पर जो रिसेप्टर होंगे वो आपके स्किन पे रिसेप्टर होंगे। आपने किसी वस्तु को देखा जिससे आप बहुत डर गए हैं, तो यहाँ पर आपके जो रिसेप्टर होंगे वो आपकी आंखें होंगी, ठीक है। तो आपने कहा कि स्टिमुलस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके जो रिसेप्टर होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ, छुआ तो कैसे छुआ, आपने कहा अपनी स्किन से छुआ, तो आपने कहा यहाँ पर जो आपकी स्किन थी वो आपकी रिसेप्टर थी। अब यहाँ से जो मैसेज गया वो गया आपके CNS में, किसके द्वारा गया, सेंसरी न्यूरोन के द्वारा गया। ये आपके यह सेंसरी न्यूरोन है, ठीक है, सेंसरी न्यूरोन है ये आपकी। अब आपने कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने फिर मैसेज किसे भेजा, ऑर्गन को भेजा, क्या मैसेज भेजा कि आपको तुरंत को हाथ को हटाना है, तो ये आपका क्या है, आपने कहा मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। अब सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में एक ऐसा भाग तो आता होगा जहां से जो आपका सेंसरी न्यूरॉन है वो मोटर न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाता होगा, ठीक है, बीच वाला कोई पोर्शन तो आता होगा, उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं रिले न्यूरॉन कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब आपने कहा, अब आपने क्या बोला, मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर यानी कि मसल्स पे, इफेक्टर क्या है, आपका ऑर्गन है, इफेक्टर यानी कि जिस जहां पर आपको अपना इफेक्ट दिखाना है वो आपका क्या होगा, इफेक्टर होगा। क्लियर है इतनी बात? तो आपका रिसेप्टर क्या था, रिसेप्टर क्या था, जिसने रिसीव किया है किसे, यहाँ पर आपने कहा कि जिसने रिसीव किया स्टिमुलस को, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन आया आपके, सेंसरी न्यूरॉन ने आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजा, यहाँ से मोटर न्यूरॉन के द्वारा आपको क्या दी जाती है, कमांड दी जाती है और आपका इफेक्टर वहां पर काम करता है। ये सीक्वेंस आपको पता चल गया होगा। आपने कहा द रिसेप्टर इज द ऑर्गन विच कम्स इन डेंजर जोन, तो रिसेप्टर ही आपका क्या है यहाँ पर, आपने कहा जो रिसेप्टर है वही तो है जो कि डेंजर जोन में आ रहा है। आपने कहा आपका जो हाथ था वही डेंजर जोन में था, वही आपका क्या होगा, रिसेप्टर होगा। This sensory neuron pick signal from the receptor and send them to the relay neuron. The relay neuron is present in the spinal cord. अब आपका relay neuron कहाँ है? ये आपको बताया जा रहा है, कहाँ होगा आपका relay neuron? आपके spinal cord में होगा। Clear है? The spinal cord send the signal to the effector via motor neuron. अब आपका spinal cord क्या करेगा? जो motor neuron है उसके द्वारा उसे command देगा, ठीक है? The effector comes in action, moves the receptor away from the डेंजर, ठीक है। तो जो आपका इफेक्टर होगा वो कहाँ होगा, एक्टिव होगा और यहाँ पर डेंजर जोन से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब आपने क्या समझा, देखिए आपको सिंपल सी चीज ये बताई गई है कि कोई एक ऑर्गन था वो डेंजर जोन में था, ठीक है, वहां पर स्टिमुलस के अकॉर्डिंग जो रिसेप्टर है वो अलग अलग हो सकते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। जब रिसेप्टर ने रिसीव किया यहाँ पर सिग्नल्स को, तो सेंसरी न्यूरोन ने पहुंचाया आपके कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब आपने कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने किसकी बात की थी, आपने स्पाइनल कॉर्ड की बात की थी और आपने ब्रेन की बात की थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपने कहा कि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पर मैसेज लेके आया तो उसके बाद क्या होगा, ये कहाँ इसे सेंड करेगा, रिले न्यूरोन को। रिले न्यूरोन कहाँ है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में है, ठीक है। रिले न्यूरोन ने जब यहाँ पर क्या किया, मैसेज को पहुंचा है, तो अब क्या होगा, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सिग्नल वापस कैसे दे रही है, आपने कहा मोटर न्यूरॉन के द्वारा दे रही है आपके फैक्टर को। सिंपल सी बात है, यही जो आपको, ये जो आपको प्रोसेस दिखाई दे रही है फ्रॉम रिसेप्टर टू फ्रॉम इफेक्टर, ये जो प्रोसेस जिसमें चल रही है उसी को आप क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। और इसी प्रोसेस को ये जो रिस्पॉन्स यहाँ पर मिला, यहाँ पर एक रिस्पॉन्स मिला है, ये जो रिस्पॉन्स आपको मिला है इसे आप कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखिए क्या चीजें आपने पढ़ी, आपने कहा निम्नलिखित प्रवाह चार्ट रिफ्लेक्स आर्क में सिग्नल के प्रवाह को दर्शाता है। सबसे पहले रिसेप्टर रिसीव करेगा, फिर संवेदी न्यूरॉन में जाता है, देन रिले न्यूरॉन में जो कि आपका स्पाइनल कॉर्ड में है, फिर मोटर न्यूरॉन के द्वारा यहाँ पर इफेक्टर को क्या दी जाती है, कमांड दी जाती है। रिसेप्टर वह अंग है जो खतरे क्षेत्र में आता है, संवेदी न्यूरॉन रिसेप्टर के संकेत लेते हैं और उन्हें रिले न्यूरॉन में भेजते हैं।
रेले न्यूरॉन रीढ़ की हड्डी में मौजूद होता है। रीढ़ की हड्डी मोटर न्यूरॉन के माध्यम से प्रभावा को संकेत भेजते और प्रभाव कारक क्रिया में आता है और रिसेप्टर को खतरे से दूर लेके जाता है। ये इमेज जो आपके लिए आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके पास सिर्फ इमेज ही पूछ ली जाती है। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? ये पूरा आपको रिफ्लेक्स आर्क यहाँ पर दिखाया गया है। अब आप देखिए, आपने कहा ये आपका क्या था, हॉट है। ये आपका क्या है? हॉट है, यानी कि गर्म है। तो कह सकते हैं ये आपका क्या है? स्टिमुलस है। ये होगा स्टिमुलस। अब यहाँ पर आपकी स्किन क्या है? सेंस ऑर्गन है आपके। हमने पांच सेंस ऑर्गन के बारे में बात की थी, तो स्किन भी आपकी सेंस ऑर्गन है। यहाँ पर क्या होंगे? रिसेप्टर लगे होंगे। रिसेप्टर ने क्या किया? यहाँ पर रिसीव किया क्या? हीट जब यहाँ पर फील हुई तो उससे आपको दर्द का अनुभव हुआ हुआ। अब देखिए, आपने कहा कि आपको हीट महसूस हो रही है, कैसे हुई? क्योंकि आपको दर्द हुआ। क्योंकि अगर हीट है, नॉर्मल है, आप टॉलरेट कर सकते हैं, तो आप हाथ को रखते हैं वहां पर, जैसे कि सर्दियों के टाइम पे, क्योंकि आपको क्या चाहिए? हीट चाहिए होती है, तो आप आग सेक लेते हैं। नॉर्मल है, हीट वहां पर भी आ रही है, लेकिन वहां पर क्यों रिफ्लेक्स एक्शन नहीं आया? क्योंकि वहां पर आपको उतनी हीट की आवश्यकता है। आपने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ, जब रिसेप्टर ने रिसीव किया और फील किया पेन को ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट की वजह से यहाँ पर क्या किया गया है, पेन को जब फील किया गया है, तो अब क्या होगा? अब आपने कहा जो यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन है, ये आपके क्या है? रेड कलर में आपको सेंसरी न्यूरॉन दिखाया गया है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन आपका दिखाया गया है। सेंसरी न्यूरॉन गया कहाँ पे? यहाँ पे जाएगा आपके स्पाइनल कॉर्ड में, जो कि क्या है? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पर आपके क्या आते हैं? रिले न्यूरॉन। अब देखिए, अगर मैं इन्हें अलग अलग कलर से दिखाऊं, आपने कहा ये वाला जो है ये रेड कलर का है, और मोटर न्यूरॉन को अगर मैं इस कलर से दिखाऊं, इस कलर से, ठीक है, यहाँ पर आपको सेम ही कलर से दिखा रखा है दोनों को, ठीक है। तो एक आपकी रेड कलर की न्यूरॉन है और एक आपकी क्या है? ब्लू कलर की न्यूरॉन है। आप देख रहे हैं कि रेड कलर की न्यूरॉन एक और ब्लू कलर की न्यूरॉन के बीच में आपको एक स्पेस दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। क्या है ये? आपने कहा रिले न्यूरॉन है। अब आप समझिए, रिले न्यूरॉन कहाँ पर होगा? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में आपका रिले न्यूरॉन है। अब रिले न्यूरॉन को जब भेजा गया, तो रिले न्यूरॉन से आप क्या निकलने लग गई है? आपने कहा मोटर न्यूरॉन निकलती है। यहाँ पर लिखा है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन आपके इफेक्टर, इफेक्टर क्या होगा? आपकी मसल्स होगी, क्योंकि आपने कहा कि जब आपने हाथ हटाया तो आपकी पूरी मसल्स ने वहां पे काम किया है। ठीक है, आपकी मसल्स पूरी क्या है? यहाँ पे इफेक्टर है। क्लियर है? अब यहाँ पर आप मूवमेंट, अगर आपने मसल्स चैप्टर पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर क्या है, जो मसल्स है आपकी वो बोन से कनेक्ट होती है। दो चीजें हमारे पास आते हैं, दो चीजें हमारे पास आते हैं, एक तो बोन टू बोन कनेक्शन होता है, एक बोन टू मसल्स होता है। तो जो बोन से बोन का कनेक्शन होता है वो वहां पर आता है लिगामेंट, और जो बोन को मसल से जोड़ता है वो होता है टेंडन। ठीक है, तो मूवमेंट होता कैसे है? आपकी मसल्स खींचती है, आपके मसल्स क्या होते हैं? श्रिंक होती हैं। यहाँ पर ये मसल श्रिंक होंगे। जब श्रिंक मसल्स होती हैं, तो क्योंकि इस मसल से क्या होगी, आपकी बोन क्या होगी? अटैच होगी। आपने कहा कि यहाँ पर ये जो आपकी मसल्स है, ये आपकी मसल्स है, यहाँ पर क्या होगी, ये मसल्स बोन से अटैच है। जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बोन भी खींचेगी। तो आप जब अपने हाथ को इस प्रकार से मोड़ते हैं, तो होता क्या है एक्चुअली में, मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या होगा, मसल्स का साइज क्या होगा, आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा कि मसल्स का साइज कम हो गया। मसल्स का साइज कम होगा तो क्या होगा, फिर जब सिकुड़ती है तो जो बोन है, बोन भी क्या होगी, बोन में भी मूवमेंट वहां पर आ जाता है। तो आपने कहा ये फैक्टर आपकी मसल्स यहाँ पर होंगी, और जैसे आपकी मसल्स सिकुड़ी, जैसे उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वैसे आपने क्या किया, आपके हाथ में मूवमेंट आया, आपने हाथ को तुरंत हटा दिया है। ये पूरा रिफ्लेक्स आर्क है, आपको बताया जाता है कि रिफ्लेक्स आर्क बताइए, यानी कि वो आर्क बताइए जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो आपको इसी प्रकार का यहाँ पर क्या बताना है, डायग्राम बताना है, हर एक पार्ट को बताना है, न्यूरोन के आपको नाम बताने हैं, और दिखाना है कि रिफ्लेक्स आर्क किस प्रकार का है। एक और चीज ध्यान में रखेंगे, एरो हमेशा देखना, एरो भी आपको लगाना है कि जो इम्पल्स जा रहे हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? तो ये जो आपके पास इमेज आई है, इसे आपको एज इट इज अपनी कॉपी में क्या करना है, नोट डाउन करना है। तो चलिए, इस इमेज को आप नोट कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो आपके पास आता है। इसमें आप बात करेंगे, रिफ्लेक्स आर्क पासेस द
लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड द सिग्नल इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन डू नॉट ट्रेवल अप टू द ब्रेन. दिस इज द इम्पोर्टेंट बिकॉज सेंडिंग सिग्नल्स टू द ब्रेन वुड इन्वॉल्व मोर टाइम. क्या चीज आपको बोली गई है? आपने कहा कि जो रिफ्लेक्स आर्क रीढ़ की हड्डी के स्तर से गुजरता है, रिफ्लेक्स क्रिया में शामिल सिग्नल मस्तिष्क तक नहीं जाते क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा. आपने कहा जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं क्योंकि आपको वहां पे क्या चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, आपको जल्दी से जल्दी वहां पर क्या दिखाना, अपना एक्शन दिखाना है. तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्स आर्क है यहाँ पर आपको जो कमांड मिल रही है स्पाइनल कॉर्ड से ही मिल रही है. ठीक है. Although every action is ultimately controlled by the brain, the reflex action is mainly controlled at the level of spinal cord. आपने कहा कि वैसे तो हम जानते हैं कि जो भी चीजें यहाँ पर कंट्रोल हो रही है वो हमारे ब्रेन के द्वारा ही हो रही है. ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड तो क्या है, ब्रेन की हेल्प यहाँ पर कर रहा है, लेकिन अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर ये क्या हो रहा है, हैंडल किया जा रहा है. प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो दोनों की जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी प्रोटेक्शन कैसे की जाती है. आपने कहा ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड बलून विच इज एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर एंड एनक्लोज्ड इन अ सेरेब्रम ब्रेन बॉक्स. कि आपने बोला जो ब्रेन का प्रोटेक्शन किया जाता है एक फ्लूइड भरा हुआ होता है उसके द्वारा होती है. स्पाइनल कॉर्ड इज एनक्लोज्ड इन वर्टिब्रल कॉलम. जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में होती है. कैसे होती है देखिए, आपने बोला ये आपके स्पाइनल कॉर्ड आ गई है. ठीक है. और यहाँ पर आपने क्या देखे हैं, वर्टिब्रल कॉलम देखे. आपने कभी अपनी रीढ़ की हड्डी को अगर टच किया होगा तो इस प्रकार से आपने बॉक्सेस आपको मिलते हैं. तो एक्चुअली में आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो अंदर होती है और इन बॉक्सेस में जिसे आप क्या कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं वहां पर सेफ होती है. पढ़ लें सेम चीजें आपको क्या क्या बताई गई है. आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क रीढ़ की हड्डी के स्तर से गुजरता है और रिफ्लेक्स क्रिया में शामिल सिग्नल मस्तिष्क तक नहीं जाते हैं. यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मस्तिष्क को संकेत भेजने में अधिक समय लगेगा. हालांकि प्रत्येक क्रिया अंततः मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है, प्रतिवर्ती क्रिया मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी के स्तर पर नियंत्रित होती है. मस्तिष्क और रीढ़ की सुरक्षा कैसे होती है, आपने कहा मस्तिष्क एक तरल पदार्थ से भरे गुब्बारे में सुरक्षित होता है जो आघात अवशोषक के रूप में कार्य करता है और कपाल यानी कि ब्रेन बॉक्स में बंद रहता है. इस फ्लूइड का नाम हमने यहाँ पे डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, एक बार आप लोग देख लेंगे. और जो मेरुरज्जु है वो कशेरुक दंड से घिरा होता है. ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं. अब हमारे पास आते हैं मस्कुलर मूवमेंट एंड नर्वस कंट्रोल. यहाँ पर आपने बोला जो मस्कुलर मूवमेंट हो रहा है और नर्वस कंट्रोल है वो किस प्रकार से हो रहा है, तो पढ़ लेते हैं आपको क्या क्या चीजें बताई गई हैं. आपने बोला मसल्स टिश्यू हैव स्पेशल फिलामेंट कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन. अब क्या होता है कि जो आपकी मसल्स होती हैं उनमें स्पेशल टाइप की क्या होती है, प्रोटीन होती है जिसे आप एक्टिन एंड मायोसिन कहते हैं. आपने बोला मांसपेशियों में ऊतकों के विशेष तंतु होते हैं जिन्हें एक्टिन और मायोसिन कहा जाता है. व्हेन अ मसल्स रिसीव अ सिग्नल और नर्व सिग्नल अ सीरीज ऑफ इवेंट इज ट्रिगर्ड इन द मसल्स. जब भी एक मांसपेशी को तंत्रिका संकेत प्राप्त होते हैं तो मांसपेशियों में घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है. कैल्शियम आयंस एंटर द मसल सेल्स, इट रिजल्ट इन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स स्लिंडिंग टूवर्ड्स ईच अदर एंड दैट इज हाउ अ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स ब्रिंग द मूवमेंट इन द रिलेटेड ऑर्गन. अब होता क्या, आप ध्यान दीजिए. आपने कहा कैल्शियम आयन मांसपेशी कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, इसके परिणाम स्वरूप एक्टिन और मायोसिन तंतु एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं और इस तरह मांसपेशी सिकुड़ती हैं. मांसपेशियों के संकुचन से संबंधित अंग में गति आती है. अब हुआ कि आपने बोला जैसे ही क्या हुआ, किसी मसल्स को इम्पल्स भेजे गए तो मसल सेल्स में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं. सबसे पहले जब कैल्शियम यहाँ पर क्या करते हैं, एंट्री करता है, तो आपने बोला जो एक्टिन एंड मायोसिन होते हैं वो इस प्रकार से अरेंज होते हैं. ठीक है, इस प्रकार से अरेंज होते हैं. अब क्या हुआ, जैसे ही कैल्शियम की एंट्री हुई अब ये एक दूसरे की ओर खिसकने लगेंगे. तो खिसकने लगेंगे तो हुआ क्या, आपने कहा ये इस प्रकार से आ जाते हैं. अब आपने देखा पहले जो एरिया इतना था, पहले जो मसल्स का एरिया इतना था यहां से लेकर के यहां तक, अब वो एरिया इतना हो गया है. क्या समझे इस बात से, आपकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो उसकी शेप क्या हुई, कम हुई, और जब उसकी शेप कम हुई तो आपने कहा वो श्रिंक हो गया है, अब वो कॉन्ट्रैक्शन उसमें हो गया है. ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया है, आपके मांसपेशियों में गति होने लग गई है. चलिए यहां तक तो आपने बात की है किसकी, मसल्स की, मसल्स में कैसे मूवमेंट हो रहा है, और आपने यहाँ पे अभी बात की है नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में आपने जाना, आपके ब्रेन के बारे में समझे कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा क्या कार्य यहाँ पर कर रहा है.
या फिर आपने जाना कि इम्पल्स कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। अब हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स कैसे रिलीज होते हैं, कहाँ से रिलीज होते हैं, कौन कौन से रिलीज होते हैं, क्या क्या उनका फंक्शन होता है। क्लियर है? उससे पहले आप एक बार देख लीजिए मस्कुलर मूवमेंट किस प्रकार से होता है। चलिए तो अब आप बात करते हैं यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। बेसिकली आप बात करेंगे यहाँ पर ग्रंथियों के बारे में। देखिए हमारे बॉडी में कुछ सिस्टम होते हैं, उन सिस्टम में आपने कुछ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा होगा, जिससे कि हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात की, तब कुछ ग्लैंड्स आपके पास आई थी, जैसे कि आपके पास आई थी सलाइवरी ग्लैंड, कुछ ग्लैंड्स आई थी आपके पास जैसे सलाइवरी ग्लैंड, जैसे कि आपने बात की थी लिवर की, जैसे कि आपने बात की थी पैनक्रियास की। ठीक है, ये कुछ ग्रंथियां आपके पास आई थी। अब आपने कहा ये कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रही थी। देखिए आपने कहा कि कोई ना कोई जो पार्ट आपका होता है वो कुछ ना कुछ कार्य करता ही है, तो ये ग्रंथियां क्या पार्ट कर रही थी, क्या रोल प्ले कर रही थी? आपने कहा ये कुछ सिक्रीशन को सिक्रेट कर रही थी, कुछ श्रावित कर रही थी, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड आपका सलाइवा, या फिर लिवर की अगर हम बात करें तो आपने बाइल की बात की थी, जिसे आप क्या कहते हैं, पित्तरस कहते हैं, या सलाइवा को आप लार भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि ये क्या कर रही है, कुछ ना कुछ कार्य को कर रही है। अब आपने कहा ये कुछ श्रावित कर रही है, तो इनका जो श्रावण है इनका कोई ना कोई फंक्शन होगा। आपने कहा क्या फंक्शन होगा, अगर हम सलाइवा के बारे में बात करें तो आपने कहा सलाइवा के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। क्या क्या फंक्शन होते हैं? आपने कहा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सेकेंड आपने बोला कि यहाँ पर आपको क्या करता है एज अ, यहाँ पर जो भी आपके हानिकारक सूक्ष्म जीव होंगे उन्हें किल करेगा, यानी कि आपको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तीसरा आपने कहा कि भोजन को क्या करता है, गीला करता है, भोजन को चबाने में सहायता करता है, भोजन को निगलने में सहायता करता है। ये सारे कुछ बेसिक से फंक्शन होते हैं किसके, लार के। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपने कहा हार्मफुल बैक्टीरिया जो होंगे उन्हें किल करेगा, या फिर कुछ फंगल जो इन्फेक्शन होते हैं उन्हें भी रोकने का काम करता है। तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं आपके लार के। क्लियर है? अगर हम बाइल की बात करें या पित्तरस की बात करें, तो आपने कहा क्या करेंगे, फैट का डाइजेशन। फैट डाइजेशन में क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब इतना तो आप समझे कि जो ग्लैंड्स होते हैं, ये कुछ ग्लैंड्स के एग्जांपल आपके पास आए हैं, और ये क्या कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से आपकी मदद कर रही है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज आती है कि ग्लैंड्स जो होती हैं उसके भी प्रकार होते हैं, ग्लैंड्स जो होती हैं उसके भी प्रकार होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं जो ग्लैंड है उसके दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? एक तो आपके पास आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक आती है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन को आप अंतःश्रावी कहेंगे और एक्सोक्राइन को बाह्यश्रावी कहेंगे, बहिश्रावी कहेंगे। ठीक है, क्या समझे आप? कुछ ग्रंथियां होती हैं, कुछ ग्लैंड्स होती हैं, जो कि क्या होती हैं, दो प्रकार के आपके पास आती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडो का मतलब होता है अंतःश्रावी ग्रंथियां, और एक्सोक्राइन का मतलब होता है बहिश्रावी ग्रंथियां। ठीक है, अब आपने कहा दोनों का काम क्या है, दोनों का काम ये है कि ये क्या करती है, कुछ ना कुछ श्रावित करते हैं, कुछ केमिकल्स कहिए या कुछ क्या कहिए, कुछ लिक्विड कहिए, ये क्या करती है, श्रावित करती है। उनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। इस पूरे सिस्टम को आप क्या कह रहे हैं, आपने कहा अगर हम सिर्फ इस सिस्टम की बात करें तो आपने कहा इसे एंडोक्राइन सिस्टम कहेंगे, अगर आप एक्सोक्राइन के बारे में बात करेंगे तो आप इसे एक्सोक्राइन सिस्टम कहेंगे। तो आपको पढ़ना यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम है, तो पढ़ लें एक बार आपको क्या क्या बातें बताई गई हैं। आप देखिए जो एग्जांपल अभी हमने यहाँ पर लिए थे, जैसे कि आपने लीवर लिया है, जैसे कि आपने पैनक्रियाज लिया है, वो कौन सी ग्लैंड हुई, क्या वो एंडोक्राइन ग्लैंड है या एक्सोक्राइन ग्लैंड है या
तब समझेंगे जब आप एंडोक्राइन सिस्टम को समझेंगे। आपने कहा द एंडोक्राइन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन सिस्टम आपका होगा वो बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा बना होगा। अ डक्टलेस ग्लैंड इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आपको पूछा जाएगा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है या फिर जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसका और नाम क्या है। आपने कहा डक्टलेस ग्लैंड। क्या कहेंगे आप इसे? कैसे ग्लैंड आती हैं इनमें? आपने कहा डक्टलेस ग्लैंड्स आती हैं इनमें। डक्टलेस का मतलब क्या हुआ? इनमें डक्ट नहीं पाए जाएंगे। अब डक्ट क्या है? आपने कहा पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जो डक्ट होते हैं। जैसे कि जब आपने बोला कि हमारी पूरे बॉडी में जब ब्लड फ्लो करता है, तो जब ब्लड फ्लो करता है तो वहां पर कुछ डक्ट पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो रक्त है वो ऐसे ही बह जाता है। आपने बात की है आर्टरीज के बारे में, आपने बात की है वेन के बारे में, आपने बात की है कैपिलरी के बारे में। इन तीनों के थ्रू आपका जो ब्लड है वो फ्लो करता है। ये सेम ऐसा ही है जैसे कि अगर आप पानी भरते हैं तो आप पाइप का यूज करते हैं, तो क्या करेगा पाइप? पानी को एक जगह से दूसरी जगह सेफली लेके जाता है। ऐसा नहीं कि पानी की बर्बादी हो। ठीक है, तो आपने कहा कि ये क्या होती है, कुछ आप इसी प्रकार से भी डक्ट मान सकते हैं। लेकिन ये जो ग्लैंड होती है, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है या फिर ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, इनमें डक्ट नहीं पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, दोनों में अगर डिफरेंस करने के लिए आ गया तो सबसे पहला डिफरेंस यही होता है कि क्या है, एक डक्टलेस ग्लैंड है और अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सोक्राइन की, एक्सोक्राइन में डक्ट पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाएंगे एक्सोक्राइन में? आपने कहा डक्ट पाई जाएंगे। इसका मतलब क्या समझे? सिंपल सी बात है, आपने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड का काम क्या था या अंतःस्रावी ग्रंथि का काम क्या था? किसी रस को या किसी लिक्विड को स्रावित करना। अब आपने कहा यहाँ पे डक्ट है ही नहीं, यहाँ पे डक्ट नहीं है, तो जब डक्ट नहीं है तो ये अपने श्रावण को कहाँ डालेंगे? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर है ये ग्लैंड। कहाँ है? आपकी बॉडी के अंदर है। तो आपने कहा अगर डक्ट है ही नहीं तो ये अपने सिक्रेशन को कहाँ डालें? तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि डक्ट ये अपने सिक्रेशन को कहाँ डालती हैं? ब्लड में। कहाँ डालेंगे? ब्लड में डालेंगे। क्योंकि आपने कहा कि हर एक सिक्रेशन के क्या होता है, एक टारगेट साइट होती है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं, अभी हमने स्लाइवरी ग्लैंड की बात की है, आपने कहा जो स्लाइवरी ग्लैंड है उससे निकलने वाला जो सिक्रेशन है वो क्या है? सलाइवा है। सलाइवा का काम कहाँ पे? आपने कहा आपके मुख में है। ठीक है, तो वैसे आपने दूसरा एग्जाम्पल लिया था, आपने कहा लिवर। लिवर से क्या निकल रहा है? बाइल निकल रहा है। लिवर से निकल रहा है लेकिन कार्य कहाँ पर कर रहा है? आपने कहा छोटी आंत में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो आपने कहा कि क्या है इनके फंक्शन जो होंगे, इनके जो श्रावण निकलते हैं, इनकी जो साइट होती है वो फिक्स होती है कि कहाँ पर किसकी आवश्यकता है। तो होगा क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड से जहाँ पे बहुत सारे सिक्रीशन तो निकलते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, रक्त में मिल जाते हैं। अब जब रक्त में मिल जाते हैं तो जहां पर उस श्रावण की आवश्यकता होगी वो उसी ऑर्गन में वहां पर चले जाएंगे। क्लियर है? सेकेंड चीज, हमने कहा एक्सोक्राइन में क्या होती है? डक्ट होती है। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन होते हैं उनका श्रावण रक्त में नहीं मिलेगा क्योंकि उनमें डक्ट पाई जा रही है। वो सीधे डक्ट वही श्रावित करेंगे जहां उसकी आवश्यकता होती है। बेसिक सा डिफरेंस है, तो पढ़ लेते हैं एक बार। आपने बोला एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस इन द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हॉर्मोन्स क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। हॉर्मोन्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। जो हॉर्मोन होते हैं वो आपके प्रोटीन से बने हुए होते हैं। हॉर्मोन्स असिस्ट द नर्वस सिस्टम टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब आप क्यों पढ़ रहे हैं इनके बारे में? क्योंकि क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नर्वस डू नॉट रिएक्ट टू एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ द बॉडी एंड हैंस द हॉर्मोन्स आर नीडेड टू अफेक्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन दोज पार्ट। आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि आपका नर्वस सिस्टम हर एक पार्ट में क्या करेगा, चेंजेस के लिए या फिर क्या रिस्पॉन्सेज के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। वहां पर आपके क्या काम करेंगे? आपके हॉर्मोन्स काम करेंगे। मोर ओवर अनलाइक नर्वस कंट्रोल, हॉर्मोनल कंट्रोल इज समवट स्लोअर। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, जो आपका नर्वस कंट्रोल होता है या जो नर्वस सिस्टम के द्वारा जो कंट्रोल होता है वो क्विक होता है, जो हॉर्मोनल कंट्रोल होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है। तो ये आपने बात की है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। अभी तक आप इतना समझिए एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि सबसे पहले आप तो ग्रंथियों के बारे में समझिए। ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप समझिए। उसके बारे में आप बात कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।